नमस्कार, विठ्ठल स्वामी निर्मित काव्यगंध या यूट्यूब चॅनल वर आपले पुनश्च स्वागत। आजवर सादर केलेल्या शालेय कवितांची सुमधुर श्रवणीय आणि संगीतबद्ध केलेली मांडणी आणि तिची योग्य भावार्थानुसार केलेली प्रस्तुती आपणास नक्कीच आवडली असेल। अशाच संगीतबद्ध केलेल्या इतरही कविता आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आपल्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स मध्ये नोंदवा। धन्यवाद दोस्तों। आज हम इयत्ता सातवी कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक में से फूल और कांटे ये कविता प्रस्तुत करने वाले हैं। इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम इन्होंने फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। यह अच्छा संदेश एक ही पौधे पर पलने वाले फूल और कांटे के माध्यम से बताया है। तो ऐसी सुंदर कविता सुनो और आनंद से गाओ। जन्म लेते जग में कहीं पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांदनी, एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवा है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांदनी, एक ही सी चांदनी है डालता। छेद कर काटा किसी की उंगलिया, फाड़ देता है किसी का वर्वसन, चार डूबी तितलियों के परकतर, और काहे वेद देता शामतन। जन्म लेते जग में कहीं पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांदनी, एक ही सी चांदनी है डालता। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की किला। जन्म लेते जग में कहीं पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांदनी, एक ही सी चांदनी है डालता। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसी सफर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांदनी,
कहीं सी चांदनी है लालता।